नमस्कार दोस्तों, फोटोशॉप के एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम फोटोशॉप में सीखेंगे एक डिजिटल ऑयल पेंटिंग हम कैसे क्रिएट करते हैं। ज्यादा समय ना लेते हुए चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हमें एक बैकग्राउंड लेयर ले लेना है। तो मैं फाइल में जाऊंगा या न्यू से मैं बैकग्राउंड लेयर ले लूंगा। आप साइज यहाँ पे देख सकते हैं, मैं इसी साइज में ज्यादातर वर्क करता हूँ ताकि ये मैं कई जगह यूज कर पाऊँ आसानी से। मैं YouTube के लिए थंबनेल भी इसी साइज में मैं क्रिएट करता हूँ। तो उसके बाद मैं इसको क्रिएट कर दूंगा और ये मेरा बैकग्राउंड लेयर आ गया। देखिए अब हमें क्या करना है, इमेज को ओपन कर लेना जिसको हम डिजिटल इमेज में कन्वर्ट करने जाते हैं। दोस्तों जब तक मैं इमेज को ओपन करता हूँ फाइल में जाके, तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरे आने वाले सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपको पता है वीडियो बनाने में कितना टाइम लगता है या कितना मेहनत लगता है। अब मैं इस इमेज को ओपन कर लूंगा। दोस्तों मैंने इमेज को ओपन कर लिया है और जैसे कि मैं हर वीडियो में किस तरह से आपको बताता हूँ कि मैं किस तरह से इमेज को सिलेक्ट करता हूँ, तो इस वीडियो में भी हम उसी तरह से इमेज को सिलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट में जाएंगे और सब्जेक्ट में जाएंगे। ये मेथड मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि ये यूज करना और एकदम इजी है, तो इसलिए मैं इसको ही ज्यादातर मैं यूज करता हूँ। तो थोड़ी देर वेट करते हैं और ये सिलेक्ट हो जाएगा। तो देखिए सिलेक्ट हो गया है। अब सिंपल हमें क्या करना है, इसको मूव टूल्स, इसको मूव करके मैं यहाँ ले जाता हूँ इस वाले लेयर में, यहाँ पे आ गया है। अब मैं इसे शिफ्ट प्रेस करके छोटा कर लूंगा, माउस से ड्रैग करके। शिफ्ट भी प्रेस करना है, माउस से ड्रैग भी करना है। अब थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं इसको, इतना, और इसको मैं ओके कर दूंगा। अब थोड़ा सा मैं जूम कर लेता हूं। अब मुझे क्या करना है, इस इमेज को एक डुप्लीकेट बनाना है। डुप्लीकेट बनाने के लिए मैं इसको ड्रैग करके यहाँ ड्रॉप कर दूंगा। यहाँ जो प्लस का आइकन है उसको ड्रॉप करना है, नीचे वाले लेयर को हाइड कर देना है। इसके बाद हमें सबसे पहले कहाँ जाना है, इमेज में जाना है, एडजस्टमेंट में जाना है और आपको जाना है शेडो एंड हाईलाइट में। शेडो और हाईलाइट में हम इसलिए जा रहे हैं ताकि इसके जो शेडोज और हाईलाइट जहाँ पे लाइटिंग होती है चेहरे फेस पे, जहाँ पे शाइनिंग होती है, उसको ज्यादा हम हाईलाइट कर पाए। तो अब जैसे ओपन करेंगे तो आपको इस तरह का ये ऑप्शन दिखेगा। आप और ऑप्शन लेने के लिए शो मोर पे यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा, तो ज्यादा ऑप्शन आ जाएंगे। अब आ जाते हैं हम हाईलाइट्स में, अमाउंट को हम बढ़ा देंगे। तो देखिए यहाँ जो ब्लैक वो सारा कलर टोन, सॉरी स्किन टोन डार्क हो जा रहा है और यहाँ जो शाइन है इसके चेहरे पे रिफ्लेक्शन है ये ज्यादा बढ़ जाएगा। अब इसको बढ़ा देंगे, देखिए अब उसको आपको ओके कर देना है। दोस्तों इसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या रहेगा, हमें जाना है फिल्टर में और यहाँ नीचे आना है, आपको यहाँ पर दिखेगा ऑयल पेंट, स्टेलाइज में जाएंगे और ऑयल पेंट में आपको जाना है। दोस्तों मैं एक चीज आपको क्लियर कर दूं कि मैं यहाँ पर जितने भी अमाउंट डालूंगा कोई जरूरी नहीं है कि आपको इतना ही अमाउंट डालने हैं। क्यों, क्योंकि हर इमेज की क्वालिटी अलग होती है, उसका कलर टोन अलग होता है, तो उस हिसाब से आप यहाँ पे प्रीव्यू में क्लिक करके आप एडजस्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे स्टेलाइजेशन में 2 या 2.5 में रखूंगा, तो मैं 2.5 रखता हूँ और क्लीननेस में आपको इसको 5 के अराउंड रखना है और स्केल को आपको थोड़ा बढ़ा देंगे और जो ब्रिस्टल डिटेल है इसको आपको इतने रखना है और आपको यहाँ पे लाइटिंग में क्लिक करके रखना है और शाइन को थोड़ा सा आप कम कर दीजिए। तो देखिए इसका स्किन स्मूथ हो गया है। इसके बाद आपको उसको ओके कर देना है। इसके बाद हम करेंगे फिल्टर में जाएंगे, फिर जाएंगे शार्पनर में और यहाँ से आपको जाना है स्मार्ट शार्पनर में। स्मार्ट शार्पनर में आने के बाद स्मार्ट शार्पनर का विंडो ओपन हो जाएगा, फिर आपको यहाँ पे भी प्रीव्यू पे क्लिक करके रखना है और आपको इसका अमाउंट 120 या 148 के आसपास रखना है शार्पनर का, और रेडियस को आप थोड़ा कम कर दीजिए। नॉइज रिडक्शन को आपको 100% रखना है और आपको यहाँ पे ध्यान जो रिमूव लिखा है इसके सामने आपको लेंस ब्लर ही सिलेक्ट करके रखना है। इसके बाद आपको इसको ओके कर देना है।
थोड़ा सा इफेक्ट होने में टाइम लगेगा दोस्तों। यहाँ तक हम बनाने के बाद फिर से फिल्टर में जाएंगे और यहाँ पे जाएंगे हम ब्लर में और नीचे जाएंगे सरफेस ब्लर में। आपको यहाँ पे जाना है, देखिए जैसे आप सरफेस ब्लर में जाएंगे इसका एकदम स्क्रीन टोन अचानक से चेंज हो गया है। आपको रेडियस को थोड़ा सा इसमें एडजस्ट कर लेना है। देखिए रेडियस आप कम रखेंगे तो चेहरे के जो डिटेल्स हैं वो ज़्यादा आपको दिखेंगे। थ्रेशोल्ड को बढ़ा देंगे तो ये पूरा स्मूथ हो जाएगा, तो इसको आपको कम रखना है जितना आपको सूटेबल लगे। देखिए इसके बाद आपको ओके कर देना है। ओके करने के बाद थोड़ा सा इसमें भी ये समय लेगा। अब दोस्तों इसके बाद हमें क्या करना है, फिल्टर में जाना है फिर से। अब आपको जाना है यहाँ पे फिल्टर गैलरी का आपको ऑप्शन मिलेगा, आपको इस पर क्लिक करना है। फिल्टर गैलरी में क्लिक करने पर एक नया विंडो ओपन हो जाएगा, तो आप उसको ड्रैग करके माउस से यहाँ पे लेके आप उसको देख सकते हैं। फिर आपको जाना है ब्रश स्ट्रोक्स में। ब्रश स्ट्रोक में जाके जो पहला वाला ऑप्शन है एक्सेंटेड एजेस, इस पर आपको क्लिक करना है डबल क्लिक। जैसे ही आप डबल क्लिक करेंगे तो इसका यहाँ पे पैरामीटर आ जाएगा। देखिए अब जो एज विड्थ है इसको आपको देखिए जितना बढ़ाएंगे इसमें एजेस में चेंजेस आ जाएगा। और एज ब्राइटनेस को आपको कम कर देना है, जैसे कम करेंगे ब्लैक हो जाएगा थोड़ा सा। आपको मतलब जो उसके हेयर की लाइन है थोड़ा सा डिटेल आपको लाना है बस, और स्मूथनेस को आपको थोड़ा कम कर देना है। ज़्यादा कर देंगे तो ज़्यादा स्मूथ हो जाएगा। 4 के अराउंड आप रखिए स्मूथ को और एज ब्राइटनेस को थोड़ा सा बढ़ा देंगे। फिर आपको ओके कर देना है। देखिए दोस्तों अब हमें एक बैकग्राउंड लेयर लेना है इसके लिए, तो बैकग्राउंड लेयर लेने के लिए मैं फाइल में जाऊंगा, ओपन में जाऊंगा और यहां से मैं कोई सा बैकग्राउंड लेयर ले लूंगा। तो मेरे पास पुराने कोई बैकग्राउंड लेयर है तो मैं इसको ओपन कर लेता हूं और इसको मैं मूव करके यहां ले जाऊंगा। दोस्तों मैं आपको जितना जहां तक हो सके मैं ईजी वे में बताने की मैं कोशिश करता हूं ताकि आप आसानी से कम समय में क्रिएट कर सकें। आप ऐसा बैकग्राउंड ब्रश टूल से भी क्रिएट कर सकते हैं लेकिन उसमें आपको समय लगेगा। अब मैं इसको यहाँ पे ले आऊँगा। ठीक है दोस्तों देखिए अब मैं आपको दिखाता हूँ पहले हमारा इमेज कैसे था, इसको मैं अनहाइड कर दूंगा और ऊपर वाले को देखेंगे। सॉरी इसको भी नीचे ले जाते हैं। अब पहला हमारा इमेज ऐसा था, उसके बाद हमने जब से ऑयल पेंट कैसे दिया हमारे में ऐसा हो गया। अब दोस्तों मुझे क्या करना है, इस वाले इमेज में जाना है, फिल्टर में जाना है और यहाँ से कैमरा रॉ फिल्टर में जाना है। इसलिए हम कैमरा रॉ फिल्टर में जा रहे हैं ताकि इसमें हम थोड़ी सी डिटेलिंग कर सकें और थोड़ी देर वेट करेंगे कैमरा रॉ फिल्टर हमारा ओपन हो जाएगा। अब हमें जो डिटेल्स में जाना है और यहाँ से शार्पनिंग को थोड़ा सा बढ़ा देना है, फिर इसको बंद कर देंगे। फिर बेसिक्स में जाएंगे और नीचे आपको दिख रहा है टेक्सचर्स ऑफ क्लैरिटी, टेक्सचर्स को बढ़ा देना और कॉन्ट्रास्ट को थोड़ा बढ़ा देंगे, हाईलाइट को भी थोड़ा और बढ़ा देंगे ताकि थोड़ा ज़्यादा हाईलाइट हो जाए। वाइट को बढ़ा देंगे तो फेस पे ज़्यादा वाइटनेस आ जाएगा, तो उसको हम कम रखते हैं और टेक्सचर को और बढ़ा देंगे और क्लैरिटी को थोड़ा सा बढ़ाएंगे हम, ज़्यादा नहीं। बस आपको इतने ही चेंजेस करने हैं और आप चाहे तो डिटेल में जाके थोड़ा सा जो NR का ऑप्शन है इसको थोड़ा सा आप बढ़ा दीजिए ताकि थोड़ा फोटो स्मूथ हो जाए। फिर आपको इसको ओके कर देना है। देखिए अब दोस्तों मुझे यहाँ से थोड़ा सा एक फेड इफेक्ट देना है, इसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जो मास्किंग का ऑप्शन है इस पर मैं क्लिक करूँगा और यहाँ पे जो ग्रेडिंग टूल का है यहाँ पे जाके मैं ये वाला कलर सेलेक्ट करूँगा जो बेसिक में ये ऊपर वाला कलर, ठीक है ये दूसरा वाला सॉरी, इसमें ऊपर ब्लैक है नीचे वाइट है, तो ये वाला पहले से सिलेक्ट कर इसको ओके कर दूंगा और यहाँ से मैं माउस से इस तरह से ऊपर की तरफ ड्रैग करूंगा, इस तरह से ये फेड इफेक्ट इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। अब चाहे तो आप फोटो को थोड़ा सा छोटा बड़ा कर सकते हैं, तो फोटो में यहाँ पे क्लिक कीजिए और इसको आप छोटा बड़ा कर सकते हैं, फिर आप ओके कर दीजिए। अब हम क्या करेंगे, यहाँ जाएंगे और यहाँ पे कलर बैलेंस में क्लिक करेंगे और इसको आपको
यहाँ पे ओके करना ताकि ये नीचे वाले पे और थोड़ा इसको हम बढ़ा देंगे जो रेड की तरफ है और ग्रीन को थोड़ा कम कर देंगे और येलो को भी थोड़ा कम कर देंगे बस। तो दोस्तों इस तरह से आप डिजिटल इमेज क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लगे दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों और अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी जरूर कीजिए ताकि मेरे वीडियोस आपके सारे दोस्तों तक आसानी से पहुंच सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, गुड बाय।